ओल्ड आईएनएस विक्रांत 31 जनवरी 1997 को रिटायर हो चुका था। उसे एक बार फिर दोबारा बनाकर इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। 30 विमानों के साथ समुद्र में तैरता ये एयरक्राफ्ट कैरियर 75% स्वदेशी है। इसे बनने में 13 साल लग गए और ये इतना विशालकाय है कि इसकी टोटल लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई 59 मीटर है, जिसमें केवल एक बार फ्यूल भरने पर ये 45 दिनों तक समुद्र में रह सकता है। और हमला होने पर आईएनएस विक्रांत नेवल डिकॉय सिस्टम से लेजर गाइडेड मिसाइल को टारगेट से डाइवर्ट कर देता है। साथ ही इसमें AK-630 रोटरी नेवल कैनल्स, 32 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, डिस्ट्रॉयर्स और कलवरी क्लास सबमरीन जैसा पूरा बैलेट ग्रुप होगा। साथ ही इस 40,000 टन के वजन के आईएनएस विक्रांत पर MiG-29 के जैसे फाइटर जेट्स और MS-60R जैसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर तैनात रहेंगे। इस पर 14 डेक है जिनमें 1700 से ज्यादा क्रू मेंबर्स एक साथ रह सकते हैं और बाकी सभी फैसिलिटीज कैंटीन, हॉस्पिटल्स और जिम आदि भी हैं। वीडियो में इतना ही, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।